हे गाइस, इट्स अ प्रीति एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट्स। एंड जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकल वीकर सेशन से हैं, अगर फाइनेंशियली अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग नहीं है, तो वो कैसे फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो फ़ीस में माफ़ीनामा अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप यहाँ कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है SOL रोल नंबर एंड बार कोड की हेल्प से। जब आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन कर लोगे तो आपको यहाँ माय अकाउंट पे क्लिक करना है। माय अकाउंट पे क्लिक करके जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ फी कंसेशन का ऑप्शन आ रहा है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, मैं आपको ओवरव्यू फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो स्टूडेंट जिसकी फैमिली 96,000 पर एनम से अंडर, जिसकी फैमिली की इनकम है, मींस पूरे साल में सभी फैमिली के मेंबर्स मिलके अगर 96,000 या फिर उससे कम अर्निंग कर रहे हैं तो वो यहाँ फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन आपके मीट कर रहे हैं तो आप फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके आगे बताया जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट SC ST या फिर OBC, जो आपका पता है आपको कास्ट का जो क्राइटेरिया होता है, अगर उससे बिलोंग नहीं करता है और फिर भी वो फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, अगर उसकी फैमिली की जो इनकम है वो 96,000 के अंडर अंडर है तो, क्लियर है। बट इसके लिए उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो शो करना मैंडेटरी होगा। हर साल उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट शो करना होगा अपने डिपार्टमेंट, अपने कॉलेज को। अगर आप SOL से हो, ऑब्वियसली तो आप SOL को सबमिट करोगे हर साल। अब जब आप एडमिशन लोगे तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट हर साल वहाँ पर शो करना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी ना करके अगर पहले उसने कभी प्राइवेट स्कूल में भी स्टडी की है और अब जाके उसकी फैमिली की कंडीशन, उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा वीक हो गया है, अब उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो सब मिलके भी 96,000 अर्न नहीं कर पा रहे हैं पूरे साल में, तो भी वो अप्लाई कर सकता है फ़ी कंसेशन के लिए। बस वट कंडीशन आप यहाँ पे भी वही है कि हर साल उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उसे शो करना पड़ेगा। क्लियर है आपको। इसके आगे भी आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन से, अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, और भी बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है। अगर कोई बुक बैंक के बारे में जानना चाहता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है। फिलहाल मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको फ़ी कंसेशन का जो प्रोसेस है वो समझा सकूं। तो आई होप मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया होगा फ़ी कंसेशन का। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।